लो जी पटवारी मरियम की बोंगी नंबर 101, वो कहती है जो हमने महंगाई की है उस पर हमें शाबाश मिलनी चाहिए। देखिए आप लोगों के तो दिमाग भी ठीक है, आप लोगों का तो तजुर्बा भी है, तो आप नहीं समझते कि डार साहब ने आके उसी सुन्नत शौकत तरीन को ताज़ा किया और उसमें डील करा दी, और डार साहब को लाना और मिफ्ता इस्माइल को हटाना गलती नहीं थी। शौकत तरीन साहब की आपने जो बात की कि उनकी सुन्नत को जिंदा कर दिया, वो तो बेधड़क होकर बेदर्दी से कीमतें भी बढ़ाते थे और मुआहदे भी उन्होंने किए, ये डार साहब ने मुआहदा नहीं किया। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई ये कोशिश करता है जिसका इल्ज़ाम डार साहब पे आता है, तो ये इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि वो कीमतें बढ़ाना नहीं चाहते, ये इल्ज़ाम है? ये तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो क्यों कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते? वो कीमतें इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते कि आवाम का दर्द है यहाँ पर, और अगर उनको मजबूरी में कीमत बढ़ाना पड़ रही है तो वो उसमें भी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सामने रखा गया है कि इस मुल्क, ये मुल्क कहीं डिफॉल्ट ना करे, ये मुल्क जो है इसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाए। IMF जो है वो प्रोग्राम में रहते हुए भी जो भी रिलीफ हम आवाम को दे सकते हैं या कम से कम भोजन पे डाल सकते हैं वो डालें, ये तो क्रेडिट की बात है, ये कोई बुरी बात तो नहीं, इसका तो इल्ज़ाम तो नहीं लेना चाहिए, इसको तो शाबाश मिलनी चाहिए। जिन्होंने नहीं सोचा उन्हीं की वजह से आज हम ये हालात में खड़े हैं।